26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज फॉर एडिशन देख रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजीत गुट के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की कल अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद से महाराष्ट्र समेत देश भर में शोक की लहर है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया। एक तरफ कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता को जिस तरीके से नृशंस हत्या की गई, उसके बाद से जो है महाराष्ट्र में सियासी जो है वो गर्म हो गई है। कहा जा रहा है कि बिहार की बात करें तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष से लेकर के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी तक जो है ट्विटर यानी एक्स के माध्यम से जो है बाबा सिद्दीकी की मौत पर जो है संवेदना व्यक्त की है। ऐसे में बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्विटर के माध्यम से कहा है कि महाराष्ट्र के वरीय नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का समाचार बेहद दुखद है। परवरदिगार से इल्तिजा है कि मरहूम को जन्नत में आला मकाम दे और परिजन को सब्र और हिम्मत दे। महाराष्ट्र में एनडीए शासन में लगातार हो रही ऐसी आपराधिक घटनाओं को क्या नाम देंगे। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार में नेता प्रतिपक्ष, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, अब उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी एक्स यानी ट्विटर के माध्यम से जो है शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार से ताल्लुक रखने वाले एनसीपी के बड़े लीडरान में शामिल बाबा सिद्दीकी साहब की कल कत्ल की खबर बेहद गमजदा कर देने वाली है। वह एक जिंदा दिल इंसान थे। पाक परवरदिगार से दरखास्त है कि उन्हें जन्नत उल फिरदौस में ऊंचा मुकाम दे और उन्हें चाहने वालों को सब्र अदा करें। दशकों पहले बिहार की गोपालगंज से जाकर मुंबई में बसे बाबा सिद्दीकी की नृशंस हत्या के बाद शोक की लहर दौड़ गई है। जानने वाले खास तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी से जुड़ी एक खास बात यह है कि उनका घर बिहार था और बिहार से आना जाना था। वैसे में बिहार में भी बाबा सिद्दीकी की मौत से जो है शोक की लहर है। बिहार के तमाम नेता जो है अपने अपने तरीके से जो है बाबा सिद्दीकी की मौत पर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। बांद्रा पश्चिम से विधायक रह चुके बाबा सिद्दीकी सियासत से फुर्सत पाने के बाद बिहार आ जाते थे। उनसे जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा सिद्दीकी 2 साल पहले ही 2022 में बिहार गए थे। बिहार के गोपालगंज में जन्मे बाबा सिद्दीकी किशोरावस्था और युवावस्था के दौरान पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी के साथ घड़ी रिपेयर करने का काम करते थे। लगभग 5 दशक पहले ही पिता ने जब मुंबई शिफ्ट होने का फैसला लिया तो बाबा सिद्दीकी भी पूरे परिवार के साथ मुंबई चले गए। लेकिन बिहार से जाकर मुंबई में उन्होंने सियासत में एक बड़ा नाम छोड़ा। कहा जा रहा है कि सियासत से लेकर बॉलीवुड जगत में भी बाबा सिद्दीकी का बड़ा नाम था। वैसे में बाबा सिद्दीकी बांद्रा से कई बार के विधायक रहे, महाराष्ट्र में मंत्री रहे, उनके बेटे फिलहाल में विधायक हैं। अब ऐसी स्थिति में उनकी जिस तरीके से हत्या हुई है, इसके बाद से पूरे महाराष्ट्र में जो है हड़कंप मच गया है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन पर गोलीबारी हुई, ये कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की चूक है। अब ऐसे में विपक्ष जो है लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में जो है विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी एनडीए सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।